हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और इनको क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉपर्टीज सेट नंबर वन है हमारे पास. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी पाई अपॉन टू. टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स आएगा पाई अपॉन टू. सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस को सेकेंड इनवर्स आएगा पाई अपॉन टू. एंड दीज आर इट्स डोमेन्स. जैसे साइन एंड कॉस की होगी माइनस वन वन, एंड टेन एंड कॉट की होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड सेकेंड एंड को सेकेंड इनवर्स की डोमेन होगी मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ओके, देन इसकी एग्जाम्पल्स कैसे करनी है हमने, देखिए फर्स्ट में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने. वेयर आइडेंटिटी इज गिवन दिस, साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन पाई अपॉन टू. अब देखिए ये आइडेंटिटी पॉसिबल कब होगी, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू हम वन अपॉन थ्री पुट कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए वैल्यूज. ओके, तो दिस इज पॉसिबल इफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री. क्लियर स्टूडेंट, सिमिलरली थ्री. अब ये पॉसिबल कब होगी, अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें फोर. क्लियर स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर आ जाएगा. अब थर्ड पार्ट में देखिए, साइन साइन इनवर्स टू अपॉन थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन. पहले तो ये आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास. साइन वन क्या है, वन क्या है हमारे पास, साइन पाई अपॉन टू. तो ये बनेगा हमारे पास थर्ड पार्ट है, साइन इनवर्स टू अपॉन थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ साइन इनवर्स वन, साइन पाई अपॉन टू लिखेंगे तो साइन साइन यहाँ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन टू. एंड दिस इज पॉसिबल इफ एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री आंसर आ जाएगा इसमें. क्लियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी के अंडर ही देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास. साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव प्लस साइन इनवर्स फोर अपॉन फाइव को हमने प्रूव करना है पाई अपॉन टू. ओके, तो सिंपली देखिए क्या करना है हमने, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, यहाँ क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स आना चाहिए. मीन्स जैसे लेट, पहले एक को ही हम ज्यूम करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स फोर अपॉन फाइव. मीन्स हमारे पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, जो हम पी अपॉन एच की फॉर्म में करेंगे. ओके, उसके अकॉर्डिंग ही हमने निकालना है, या ये ऐसे कर सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. नाउ दिस इज इक्वल टू वन माइनस, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम. साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास फोर अपॉन फाइव, एंड दिस विल बी सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव. तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 इज 9, 9 अपॉन 25 आ गया. तो हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 9 अपॉन 25, बिल्कुल सिंपल है ये, 3 अपॉन 5 आ गया. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे अब, एंड दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड इज साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस, अब साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे अब हम, कॉस इनवर्स, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 5 की फॉर्म में चेंज कर दिया. देखिए ये दोनों सेम हो गए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 2 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. क्लियर स्टूडेंट, सिमिलरली देखिए सेकंड पार्ट में टेन इनवर्स 3 अपॉन 4, टेन इनवर्स हैं तो दोनों में से किसी को भी कॉट इनवर्स में चेंज कर लेंगे हम. ओके, तो ये बनेगा हमारे पास कॉट इनवर्स, जो भी 4 अपॉन 3 के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर लेना है. ओके, जैसे ये आएगा लेट एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 अपॉन 3, एंड टेन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 अपॉन 3, तो कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन एक्स. ओके, एंड दिस विल बी 3 अपॉन 4, एंड दिस इज टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 प्लस कॉट इनवर्स 3 अपॉन 4, एंड विच विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 2. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए. अब इसमें है टेन इनवर्स के फॉर्मूलाज, टेन इनवर्स एक्स, अगर देखो दोनों साइड पे टेन इनवर्स हो और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हो, तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है अगर हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मूला एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई. ओके, एंड टेन इनवर्स अगर यहाँ माइनस लग जाए तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई. और इनको हमने यूज कैसे करना है इस प्रॉपर्टी को, देखिए हमारे पास है टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री, सभी टेन इनवर्स में है. ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इन दो को सॉल्व कर लेंगे और इन दो को सॉल्व कर लेंगे. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास है टेन इनवर्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई. ओके, प्लस अब इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे, विच विल बी टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन एट डिवाइडेड बाई वन माइनस वन अपॉन सेवन इंटू वन अपॉन एट.
एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व करना है, टेन इनवर्स, देखिए ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, 8/15 डिवाइडेड बाय, और नीचे बनेगा देखिए 15 आ गया, इधर आ जाएगा 15-1 इज 14/15 प्लस, सिमिलरली इधर आएगा टेन इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास 15/56 और ये नीचे बनेगा देखिए 56 आ गया, 56-1 इज 55/56 क्लियर स्टूडेंट्स, एंड विच विल बी टेन इनवर्स, अब देखिए 15 कैंसिल हो गया और हमारे पास रह जाएगा पीछे 8/14 प्लस टेन इनवर्स 15/55 एंड विच विल बी इक्वल टू 3/11 ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/14 प्लस 3/11 डिवाइडेड बाय 1-8/14 इंटू 3/11 क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स विच विल बी इक्वल टू 8/, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा नीचे 154 एलसीएम आ गया और ऊपर आएगा देखिए 888 प्लस 42 डिवाइडेड बाय, और इधर आएगा 154-24 डिवाइडेड बाय 154 और ये सॉल्व करके आ जाएगा, दिस विल बी टेन इनवर्स, देखिए ऐड करके ये बनेगा 130, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय, और ये भी आ जाएगा 130, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 1 एंड टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया टेन इनवर्स को कैसे हमने फॉर्मूले को यूज करना है। अब देखिए इनकी अगर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई तो इसमें से हमने एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, पहले तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे, दिस विल बी टेन इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास 2x प्लस एंड वाई इज 3x डिवाइडेड बाय 1-2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4, ये टेन इधर आ जाएगा एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले टेन इनवर्स दिस विल बी 5x डिवाइडेड बाय 1-6x² इज इक्वल टू π/4 एंड दिस इम्प्लाइज 5x डिवाइडेड बाय 1-6x² इज इक्वल टू 10π/4 एंड विच विल बी 5x डिवाइडेड बाय 1-6x² इज इक्वल टू 10π/4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 एंड इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हम 1-6x² इज इक्वल टू 5x एंड विच विल बी 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड विच विल बी 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 6x कॉमन आ गया, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओके, मींस इसमें से एक तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/6, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे एंड विच इज 1/6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6 ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई दो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और साथ के एग्जांपल्स करेंगे, और अगर मैं आगे और प्रॉपर्टीज करवा दूं तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही इसको करेंगे ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।